चौथे स्तन आठवें अध्याय श्लोक सूर्य 73 78 महाराज के आदेश अनुसार इस प्रकार भगवान की पूजा करनी चाहिए, इस प्रकार भगवान के ऊपर ध्यान करना चाहिए, इस प्रकार भगवान को प्रसन्न करना चाहिए। सब जो ज्ञान उनको प्रदान किया और ध्रुव महाराज जो है जैसे कहा गया मधुवन पहुंचकर यमुना नदी में स्नान किया और उस रात्रि को अत्यंत मन योग से उपवास किया। तत्पश्चात नारद मुनि द्वारा बताई गई विधि से ही आराधना में दृढ़ता से अपने यहाँ पे उदाहरण दिया जाए तो महाराज को किस प्रकार से क्या यहाँ पे ध्यान की सबसे ऊंची विधि जो है उसका वर्णन किया जा रहा है जो ध्रुव महाराज का। ध्रुव महाराज ने इस प्रकार से ध्यान तो ध्रुव महाराज ने पहले महीने में अपने शरीर की रक्षा तो शरीर की रक्षा बहुत जरूरी है सब चीज के लिए। इस जगत में जीवित रहने के लिए, इस जगत में कार्य करने के लिए, आध्यात्मिक जीवन के लिए भी अगर हम तपस्या करते हैं तो हमें किस प्रकार करना चाहिए। धीरे धीरे उन्होंने किस प्रकार से घोर तपस्या कर 5वें महीने जब वे पहुंचे तो हम देख चुके हैं, पढ़ रहे हैं कि उन्होंने धीरे धीरे सब कुछ त्यागना शुरू किया। पहले रात उन्होंने उपवास किया और दूसरे पहले महीने में अपने शरीर की रक्षा हेतु और तीसरे दिन केवल ध्यान तथा वेद का भोजन किया और इस तरह से भी भगवान की पूजा आगे बढ़ाते रहे। तो उन्होंने क्या किया, पहले जो
एक उन्होंने सिर्फ हर तीसरे दिन क्या खाया? पेड़ और पत्ते। इस प्रकार से वे भगवान की पूजा आगे बढ़ाते हुए पूरा महीना भर उन्होंने ऐसे कुछ नहीं, ऐसा नहीं कि रोज, हर तीसरे इसके लिए, ताकि वो आत्मा और शरीर बनाए रखने के, तो आत्मा और शरीर को बनाए रखना बहुत जरूरी है। तो जो कुछ भी जरूरी है आत्मा और शरीर को बनाए रखने के लिए, उतना तक ही हमें जो है तपस्या करना चाहिए। ऐसा नहीं कि शरीर का ध्यान ना रखे और आत्मा को कष्ट हो, कष्ट नहीं देना चाहिए, पर अधिक नहीं। जैसे कि 3 दिन, अब 3 दिन में नहीं खाते थे सूखे हुए फल बेर वगैरह, तो 1 महीना तक ऐसा। तो 1 महीने तक जब वो स्टेबल कर सके, तो दूसरे महीने में 6 दिन बाद, पहले 3 दिन बाद, 6 दिन बाद घास तथा पत्ते ही उनके खाद्य पदार्थ। सूखे पत्ते या घास खा रहे थे और अपनी पूजा जारी। उन्होंने अपनी पूजा, जैसे कि नारद मुनि ने बताया, उस प्रकार से उन्होंने अपनी पूजा। पहले महीने में क्या खाया उन्होंने? पहले महीने फ्रूट्स में फ्रूट्स पत्ता, फ्रूट्स एंड बेरीज, फ्रूट्स एंड बेरीज एंड राइट राइट बेरीज राइट। एंड और कितने दिन के बाद? 3 दिन, हर 3 दिन। बेरीज। फिर दूसरे महीने में उन्होंने हर 6 दिन के बाद क्या खाने खा लास्ट रहे लास्ट थे? वे घास और पत्ते। और इस प्रकार उन्होंने अपनी पूजा चालू रखी। बिना रुके उनकी पूजा, जितना शरीर, क्योंकि अगर हमें, हम सब जो है यही चाहते हैं कि हम कुछ खाए, और खाने के लिए हम इतना समय निकल जाता है, खाना बनाना, पकाना, ये करना, वो करना, तो वो थोड़ा जो है हम उसे भगवान की, अगर जैसे कि ये घोर तपस्या और दृढ़ विश्वास और इच्छा भगवान को प्रसन्न करने के लिए, बहुत ही लालसा, और नारद मुनि के शब्दों के ऊपर अटूट विश्वास करते हुए गुरु महाराज ने समय नष्ट नहीं। ये एक शिक्षण है कि हम जब भक्ति करते हैं या भगवान की पूजा करते हैं, हमें समय नष्ट नहीं करना चाहिए। जितना भी कमी कर सकते हैं चीजों, जितना भी अपना लाइफ सिंपल बना सकते हैं, कितना भी अपना लाइफ कॉम्प्लिकेटेड न बनाकर साधारण जीवन, इसीलिए प्रभुपाद जी हमेशा बताते हैं कि साधारण जीवन और उच्च विचार, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग।
हमारा क्या है? आई लिविंग एंड लो थिंकिंग। अगर सक्सेस चाहिए, आज सुबह ही मैं चर्चा कर रही थी कुछ डॉक्टरों से, कह रहे थे कि हम भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं तो हमें दृढ़ता से अपनी साधना करनी चाहिए। तो अगर हम दृढ़ता से नहीं करेंगे दृढ़ नहीं रहेंगे, जैसे बताया गया है कि हमें सुबह जल्दी उठकर भगवान के ऊपर ध्यान करना, और ये सुबह का समय जैसे हम सब जानते हैं कि बहुत शक्तिशाली होता है, क्योंकि वातावरण और हमारी इंद्रियां जो है सुबह के समय शांत वातावरण हमें मदद करता है। मन जो है इतना विचलित नहीं होता और हमारी इंद्रियां भी भोग के लिए हमें जो है भोग पीछे नहीं करते, आसानी से कर सकते। जल्दी उठ गए जैसे कि हम देखते हैं अभी लाते में देखते कितने सारे पूजा मंदिर भरा हुआ है, बहुत लोग मंगलाती करते हैं और बैठते जप करते हैं, बैठने के लिए भी स्थान नहीं मिलता। ऐसा नहीं कि कुछ सब है या त्योहार है तो इसीलिए इतने सारे, उस समय तो बहुत ही ज्यादा। तो हर दिन जो सीरियस है कर सकते हैं, और फिर क्योंकि हम ऐसे नहीं करते तो हमारी प्रगति जल्दी नहीं होती। अगर हम थक जाते हैं, सोचते हैं कि अरे इतना से कर रहे हैं कुछ नहीं हो रहा, इतना साल से जब कर रहे हैं, लेकिन बिगनिंग स्टेज में ठीक है, केजी क्लास में ही रहना अच्छा नहीं है, हमें ऊपर ही आगे क्वालिटी ऑफ राउंड भी बदल जो है उसको पर ध्यान देना कि हम जो है ध्यान पूर्वक जब कर रहे हैं। तो जब हम ऐसे करेंगे तो जिस प्रकार से ध्रुव महाराज ने किया, और ध्रुव महाराज को बहुत जल्द जो है वे भगवान को प्रसन्न कर, लेकिन हम उनकी नकल तो नहीं उतार सकते, लेकिन उनके पदचिन्हों के अनुसार हम थोड़ा सा भी अपने जीवन में एक संकल्प बना सकते हैं कि हम एटलीस्ट दो माला ध्यान पूर्वक करेंगे। हम जंप नहीं मारना है, जंप नहीं मारना है 16 माला, धीरे धीरे छोटे छोटे कदम उठा रहे, जैसे कि हम इस घटना से यहाँ पे ध्रुव महाराज के जीवन के उदाहरण से कि धीरे धीरे हम क्या है कि, और खास करके इस कलयुग में हम सब जो है तत्काल इमीडिएट चाहिए, एक बटन दबाए और सब कुछ हाथ में आ जाना चाहिए, तो ये ऐसा नहीं। भक्ति में धीरे धीरे 1 महीना तक जो लोग शुरू कर रहे माला, अगर आप सुने अरे इन्हें सबको 16 माला करना है, 16 माला करना है, 16 माला करना है, तो हम 16 माला 16 माला 16 माला ही देखते ही हैं, तो 1 माला भी नहीं हो अच्छे से, तो 2 माला करो 1 महीने तक, फिर जब अच्छा हो जाता है हम अच्छी तरह से रोज सुबह को, मेन इम्पोर्टेंट सुबह को उठकर 2 माला करो, किसी से बात मत करो, और ये सब वैसे भी सब लोग तो सोते ही हैं ज्यादातर लोग भी, तो कोई डिस्टर्ब भी नहीं करता उस समय, फोन भी नहीं बजता जाता या कोई सीरियल भी नहीं है या कुछ भी एक्टिविटी नहीं है,
डेली दो परसेंट एटलीस्ट दो माला करने से ध्यान कुछ तो अचीवमेंट है। तो हमारा अचीवमेंट्स क्या है, हमें एक वो प्रोग्रेस रिपोर्ट हमें बनाना है। फिर प्रोग्रेस रिपोर्ट दो चीजों में, एक तो जल्दी उठना जल्दी सोना, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, दे आल्सो नो दे आर कर्मीज, ब्रिटिश हैव टेकन ऑल दिस वंडरफुल मैसेजेस एंड पुट देयर ओन स्टैंप ऑन इट। तो शास्त्र शास्त्र जो है हमें बताते जल्दी उठना, ब्रह्म मुहूर्त का समय बहुत ही लाभदायी होता है, हमें जल्दी सोना है अगर हो सके तो। ऐसा पर हमारा जीवन ऐसा है कि परिवार और ये सब, लेकिन हमारा अगर ये सौभाग्य हो कि ये सुविधा है हमारे पास कि हम जल्दी सो, 7 बजे से पहले हमें भोजन कर लेना चाहिए, क्योंकि भोजन ज्यादा इतना देर से करेंगे तो सुबह को उठना मुश्किल हो जाएगा, खाली पेट खाली रहेगा तो उठ जाएंगे। और नियमित रूप से थोड़ा शुरुआत में हमें थोड़ा धक्का देना तो पड़ेगा, तो जब हम स्टेबल हो जाएंगे तो 2 से 4 जैसे यहाँ 3 से 6 धीरे धीरे हमें आगे बढ़ना है। हमारे लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कि हमें 16 तक पहुंचना है धीरे धीरे, और रोज उतना ही करो, नहीं कि अभी तो मेरे को तो, मैं अभी मैं और करती हूँ, टू ओनली 1 मंथ, कौन जम जंपिंग नहीं है पक्की, मैं जंपिंग नहीं कर, सीधा सीधा धीरे धीरे करो। तो इस प्रकार से तीसरे महीने में भी प्रत्येक 90 दिन केवल जल ही पीते, अभी खाना बंद, वो भी 9 9 दिन के बाद सिर्फ जल पे। 5 साल का बच्चा ध्यान में रखना है। तीसरे महीने में यहाँ पे महाराज बोल रहे, धूल महाराज जी, बड़ा कोई महाराज आ रहा है जो उसके जिम्मेदारी है समझते जी बच्चा है, और केवल जल ही पीते। और इस प्रकार वे पूर्ण रूप से समाधि में रहते हुए पुण्य श्लोक भगवान की पूजा करते, पुण्य श्लोक भगवान उत्तम श्लोक, क्योंकि वे उत्तम भगवान जिसकी आराधना चुने हुए श्लोकों से की जाती है, इसलिए उनको उत्तम श्लोक। बहुत ही सुंदर उत्तम शब्दों जिसका वर्णन किया जाता है उत्तम श्लोक, वो पूजा पूरा समय, क्योंकि अभी वे उस रस को, रस का आनंद अनुभव कर, तो इसीलिए कुछ भी जरूरत है। चौथे महीने में ध्रुव महाराज प्राणायाम में पटु हो गए, और इस प्रकार प्रत्येक 12वें दिन वायु श्वास से भीतर ले जाते, वायु को संग लेके बाहर निकालना, तो श्वास अंदर की एक ही बार कठिन है, ऐसे हम लोगों को इस प्रकार की तपस्या कर सरल और सुगम रास्ता श्री चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान है, उन्होंने हमें तपस्या, तपस्या से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। अगर हम तपस्या करते हैं
भगवान बहुत जल्द हम उनको प्राप्त कर सकते हैं। पर तपस्या ऐसी होनी चाहिए जो हम निभा सकते, तो इसीलिए बड़ी तपस्या, सबसे बड़ी तपस्या हमारे लिए इस कलयुग में है हरि नाम, भगवान के है दिव्य नामों का उच्चारण और भगवान को अर्पित किया गया भोग का सेवन। बस भगवान को अर्पित किया गया जो भी हम अर्पण करते हैं वो शोभा तो तपस्या है, क्योंकि हम अच्छा अच्छा बनाते हैं, समोसे, पकोड़े, पूरी, हलवा, और इतनी अच्छी लगती है सब चीजें, हम सोचते तुरंत मुंह में डाल, पर ये हमारी, इससे हमारी इंद्रियों का जो है, इंद्रियां वश में करने का ये एक प्रक्रिया है, ये विधि है हमारी इंद्रियां कि नहीं हम गरम गरम हमें खाना है, लेकिन हम भगवान को बोल रहे हैं इसमें थोड़ा ब्रेक गैप से, तो हमारी इंद्रियां जो है वश में हो जाए। अरे ऐसा नहीं कि मत खाओ, भगवान को भोग लगाने के लिए देर होती है, रुको होता है, या जब कोई उत्सव होता है जिसमें हमें दोपहर तो तक उपवास करना है, तो इस प्रकार से हमारी इंद्रियां वश में कंट्रोल, कंट्रोल बहुत जरूरी है। जैसे गीता में भी भगवान बताते हैं, पढ़ रहे थे दूसरे भगवद गीता के दूसरे अध्याय में, गीता के दूसरे अध्याय के आई थिंक 36 37 ऐसा कुछ हो, जिसमें अर्जुन भगवान से एक प्रश्न पूछते हैं कि जितप्रज्ञ व्यक्ति को जो स्थित तो ये अर्जुन पूछते कि उसका आचरण कैसा है, वो का लक्षण क्या है, कैसे बोलता है, भाषा क्या है, कैसे रहता है, कैसे चलता है, तो ये पता। और ये जो फेमस वर्स है, यदा संहरते छाया पूर्वो अंगानिव सर्वशक्ति इंद्रियाणि इंद्रियाणि तेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठते, जो अपनी इंद्रियों को समेट लेता है, जो अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषय इंद्रियाणि इंद्रियाणि तेभ्यस्तस्य, जो अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषय चीजों से जो है अंदर लेता है, जिस प्रकार से कछुआ, तो कछुआ का उदाहरण दिया दे रहे हैं भगवान कि कछुआ जब वो जान लेता कि ये जो चीज है खतरे खतरा देने वाली, वो क्या है, अपनी इच्छा से अपने अपने बल से वो अपने अंगों को पूर्णो अंगानि व सर्वश अपने अंगों को अंदर ले लेता है, और जब जरूरत है वो बाहर। तो भगवान कहते हैं कि जो ऐसे कर सकता है, उदाहरण देते हुए, वो प्रज्ञा प्रतिष्ठा, जो ध्यान में स्थित
ऐसा है। तो ये ध्यान की विधि कि हम अपनी इंद्रियों इस प्रकार से, और यहाँ पे जो ध्रुव महाराज कर रहे हैं वे बहुत ही उच्च कोटि की तपस्या है, पर हमारी उच्च कोटि हमारी तपस्या इस कलयुग के परिस्थिति के अनुसार आधा दिन देवा सुपास, जैसे कि बलराम जी राधा उपवास जन्माष्टमी, गौर पूर्णिमा से भी ज्यादा जन्माष्टमी। गौर पूर्णिमा कब तक है? संध्या तक। नरसिंह चतुर्दशी कब तक? संध्या तक। लेकिन जन्माष्टमी 24 घंटे या 12 बजे सुबह से लेकर 12 बजे, तो धीरे धीरे गौर पूर्णिमा, फिर नरसिंह चतुर्दशी, फिर बलराम जयंती, सो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे फिर जन्माष्टमी, और फिर आराम राधा अष्टमी आ रहा है थोड़ा, तो इस प्रकार से करना। पर अगर हम तपस्या करते हैं तो हमें ध्यान करें, मन को भगवान में लगाना, जो ध्रुव महाराज यहाँ पे कर रहे हैं, इसीलिए उनको ही शक्ति हो रही है कि वे करें। अगर हम घर में बैठे हैं, हम नहीं, अभी तो आज एकादशी है, हम निर्जल हैं, कर रहे हैं, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम बैठेंगे तो बहुत कठिन होगा। लेकिन उसी दिन हमें बहुत ज्यादा, जैसे हम जानते हैं, हम तो गोकुलानंदा मेला हमारा जो इतना भक्त कॉन्ग्रीगेशन निर्जल करते हुए एकादशी के दिन, और जब हम लोग अरे एकादशी है गोकुलानंदा मेला कौन आएगा, सब लोग उपवास में, कुछ भक्त भी बोले अरे एकादशी के दिन, ऐसा नहीं। और आसानी से सब भक्त जो है एकादशी के दिन सेवा करते करते वो पार कर देते, क्योंकि हमारा मन जो है भगवान में लगा। तो ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही बताया गया है। तो यहाँ देखते ध्रुव महाराज की का उदाहरण, और फिर हम देख रहे हैं, हम खुद ट्राई कर सकते, देख सकते हैं। जन्माष्टमी का दिन भी बहुत, जो लोग सेवा में आते हैं, सेवा में बैठे आते हैं, हर समय कीर्तन करते हैं, यहाँ पे मंदिर में बैठकर आराम से पार करते, 12 बज कभी बज जाता है पता नहीं। तो इस प्रकार से प्रत्येक 12वें दिन वायु को श्वास से भीतर ले जाते, इस प्रकार अपने स्थान पर पूर्ण रूप से स्थित होकर उन्होंने भगवान की पूजा की, तो भगवान की पूजा जारी रहनी चाहिए। 5वें महीने में राजपुत्र महाराज ध्रुव ने श्वास रोकने पर ऐसा नियंत्रण प्राप्त कर लिया कि वह एक ही पाँव पर खड़े, अरे अपना तो पैर, यहाँ पे बताया जा रहा है कि पूरा जो पृथ्वी हिलने, अपने पैर ही हिलने लग जाते अगर ऐसी तपस्या करेंगे, अरे पापा में तो गिर जाए। ऐसे ही पाँव पर, एक पाँव पर खड़े रहने में समर्थ हो गए। इस प्रकार उन्होंने परब्रह्म में अपने मन को केंद्रित किया, और उन्होंने अपनी इंद्रियों तथा उनके विषयों पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लिया, और इस तरह अपने मन को चारों ओर से सींच कर भगवान के रूप पर स्थित कर दिया। तो यहाँ पर बताया गया है कि कैसे उन्होंने, प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। जब हम ऐसे प्रैक्टिस करते हैं धीरे धीरे, हम
अपने आप को दूसरों के साथ तुलना नहीं करनी चाहिए। हमें जितना यथाशक्ति हो रही करनी चाहिए, पर करना तो चाहिए कि ये मेरा लिमिट है, मैं यहाँ तक कर सकता, तो करना ही चाहिए। हर एक के लिए अलग है, पर जितना अगर हमारा शक्ति है, हम जवान हैं, शारीरिक पीड़ा नहीं है, तो यही समय है करने के लिए। बुढ़ापे के लिए नहीं रुकना है। किसने देखा है बुढ़ापा, किसने कल देखा है पता नहीं। यहाँ पर ध्यान के यौगिक नियमों की स्पष्ट व्याख्या की गई है। मनुष्य को मन अन्यत्र न लगाकर भगवान के स्वरूप पर स्थित करना होता है, तो भगवान के स्वरूप के ऊपर स्थित करना होता है। इसका यह अर्थ नहीं है कि किसी निर्गुण वस्तु में ध्यान केंद्रित किया जाए या उसका ध्यान किया जाए, कोई निर्गुण नहीं है, भगवान सगुण है। भगवान के साकार रूप का ध्यान करना चाहिए हर एक अंग, और यही उपदेश श्री नारद मुनि ने ध्रुव महाराज को दिया कि कैसे उनको भगवान के अनेक अनेक अंगों के ऊपर ध्यान करना चाहिए। अभी ये डायरेक्ट वो शिफ्ट पे आ गए ध्रुव महाराज। ऐसा करना समय का अपव्यय मात्र है। तो अगर हम ऐसे विशेष ब्रह्म के ऊपर अग्नाष्ट करते हैं, जो भगवत गीता में बताया गया है, भगवत गीता में भगवान बताते हैं 12वें अध्याय में कि हमें उस प्रकार से ये जो है बहुत कष्ट है, क्लेश भगवान बता ना, इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि हमें अपने ये कष्ट भाई रास्ता अपनाना चाहिए। सरल रास्ता है, सरल रास्ता से वही प्राप्त कर सकते हैं और 100% प्राप्त कर सकते हैं, तो ये सरल सुगम। तो आई थिंक कि नेवर बी श्योर वेदर वहां तक पहुंचेंगे कि नहीं, इसीलिए हम यहीं पे रुके। प्रकाश महाराज ने ध्यान किया बॉटम लाइन इसके, हमें सिंपल रास्ता है, हम उसको अपनाएंगे तो सक्सेस जरूर होगा। ध्यान देना है कि ध्यान पूर्वक दिव्य नामों का उच्चारण करें, कीर्तन करें, अध्ययन करे, और श्रवण और कीर्तन बहुत ही लाभदायी है। जितना रिजल्ट गुरु महाराज प्राप्त करेंगे वही हम प्राप्त कर सकते हैं इस कलयुग। सब कुछ रिकवर करना, क्या वो ललिता माता जी ऐसे ही सब आई सेड यू विल नॉट सपोज टू कवर वन मोर श्लोका 78 श्लोक कवर 78 और डिड लेफ्ट यस यू डिड माता जी आई कवर 79 नो नो यू कवर 78 78
समझ। आई डिडंट कवर आई कवर्ड ओनली 77 77 वी वेरी रेड एक्सपर्ट द दैट नॉट बीन बट वी डिस्कस्ड हैवन्ट नो नो वी हैवन्ट डिस्कस नो। ओके इफ वी गो टू शत्रुघ्न सिन्हा माता जी या टुमारो 78 विल बी डिस्कस्ड टुमारो बिकॉज़ ओके दैट विल टेक अनदर लॉन्गर यू नो टाइम सो इट्स नो पॉइंट इन मी ट्राइंग टू रश इट सो इट्स क्लियर टिल नाउ टिल 77 सो वी सी यस दैट माता जी हम देख सकते हैं किस प्रकार ध्रुव महाराज ने धीरे-धीरे क्रमशः जो है अपने तपस्या या अपनी साधना और अपनी भक्ति प्रगति की और इस प्रकार से हम भी धीरे छोटे छोटे कदम उठाकर आगे भक्ति में प्रगति कर सकते हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते जो भी हमारी इच्छा है उस इच्छा पूर्ण हो सके थैंक यू वेरी मच एनी क्वेश्चंस एनी डाउट